Why, Dada, why? This why? Is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. Shut up. This is business. Hey. I invested the money. Stop talking. What is going on people? Welcome back guys to the channel. और ये video guys बहुत ही interesting होने वाली है. And guys kind of कोई लोग इससे trigger भी हो सकते हैं, कोई कोई लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं या फिर मेरे point को समझ भी सकते हैं. But मैं इस video में किसी भी game के side या फिर किसी को भी you know like hate फैलाना नहीं चाहता. But जैसे अपना title thumbnail देख लिया है guys, आपको अंदाजा आ गया होगा ये topic किसके ऊपर है. तो या बहुत ही hot topic है right now जो कि है Faug जी, जिसे हम पबजी का सब्सटीट्यूट भी कह सकते हैं फ्यूचर में आने वाला. तो ये जो है गाइस, इसका बस एक पोस्टर रिलीज हुआ था गाइस कल शाम को. एंड वो भी अक्षय कुमार जो है एक्टर, उन्होंने यू नो लाइक काइंड ऑफ हेल्प की या फिर प्रमोट किया अपने ट्विटर अकाउंट से. एंड उसके बाद गाइस लाइक ये इतना ट्रेंड हो गया है ना, सच्ची में इतना ट्रेंड हो गया. अगर आप अभी सर्च मारते हो ना, लाइक सीरियसली हजारों के ऊपर वीडियोज मिलेंगे. एंड अभी मैं ट्रेलर्स के भी ऊपर आऊंगा, उसके तो मैं अलग से लूंगा टपाटप, टेंशन मत लो. एंड मे भी आज की ये वीडियो में मे भी आप मेरे मुंह से कुछ दो तीन गालियां सुन लोगे. बट अभी क्या कहूँ यार, इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इतना गुस्सा भी आ रहा है. बट वीडियो देखना गाइज, आप समझ जाओगे कि मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूँ एंड क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ. वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको कहा, बस उन्होंने ये एक पोस्टर जो है रिलीज किया था. एंड उसके ऊपर से अभी बहुत लाइक यू नो लाइक तांडव हो गया अभी सच कहूँ तो. क्योंकि ये जो पोस्टर है गाइज, ये उन्होंने खुद ने नहीं बनाया है, लाइक फ्रॉम स्क्रैप यू नो लाइक फ्रॉम 0 to 100 जो भी आप ये पोस्टर में देख रहे हो, उन्होंने खुद नहीं बनाया है ये पोस्टर जो है. ये उन्होंने प्रॉब्ली अभी यू नो पेटेंट लिए होंगे या फिर अभी क्या कहो यार कॉपी किया होगा. मुझे इतना डिटेल नहीं है, मैं भी ऐसे कुछ यू नो फाइनल आपको डिसीजन नहीं बता रहा हूँ. मैं बस अपने थॉट्स बता रहा हूँ, मेरे ओपिनियंस बता रहा हूँ. वीडियो को समझ लो, वीडियो को देखो पूरा कमेंट करने से पहले. एंड आप भी अपने थॉट्स उसके बाद कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. तो जैसे मैंने कहा गाइस, ये जो पोस्टर है ये काइंड ऑफ अभी कॉपी किया है, ये उन्होंने खुद से नहीं बनाया है. एंड इस पोस्टर के ऊपर जो आप इंडियन फ्लैग देख रहे हो, आई थिंक बस वही उन्होंने प्लेस किया है या फिर ब्लेंड इन किया है. एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बाकी का पूरा जो पोस्टर है यू नो जो 3 soldiers वहाँ पे दिख रहे हैं आपको, उसके बाद जो लाइक धुआं स्मोक इफेक्ट जो भी है, ये पूरी की पूरी जो इमेज है वो दूसरे की है. शटर स्टॉक करके एक कोई तो वेबसाइट है या फिर और भी अगर कोई वेबसाइट होगी तो उससे जो है ये लिया गया है. एंड आई थिंक ये जो पोस्टर या फिर ये जो पिक है ये एक किसी तो म्यूजिक वीडियो का था, अभी मुझे एक्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट कोलिजन ऐसे कुछ तो था एक्जैक्टली मुझे पता नहीं. ये पोस्टर जो है या फिर वो जो इमेज है वो उसकी है. एंड जो डेवलपर्स है उन्होंने बस फौजी करके जो टेक्स्ट है वो डाला है एंड उसके बाद इंडियन फ्लैग जो है वो डाला है. मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ना ही उन्होंने डेवलपर्स जो है ऑफिशियल, उन्होंने भी कुछ इसके बारे में कहा नहीं है. तो मैं भी अपने अजम्पशंस कुछ गलत नहीं आपके सामने बताना चाहता. बट या ये तो श्योर है जो आपने पोस्टर देखा है वो काइंड ऑफ कॉपी है, यू नो खुद से नहीं बनाया है. अभी बात करेंगे या फिर जस्ट अजम करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. तो देखो किसके पास भी आइडिया नहीं है. एंड मुझे बस हेट नहीं फैलानी है क्योंकि अगर इंडिया इसके बारे में कुछ कर रहा है, लाइक अगर पबजी को बैन किया है अभी फॉर सम रीजन, अभी पता नहीं वो सच्ची में सिक्योरिटी रीजन है या फिर पॉलिटिक्स है, क्योंकि आपको पता ही है कितनी पॉलिटिक्स चल रही है अभी. मैं बस इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर इंडिया चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है आपको तो अंदाजा है ही उसके बारे में. सो इसलिए गाइस अभी यू नो जस्ट मौके पे चौका मारा है इन्होंने अभी, देखते. सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, ये जो पोस्टर है ये काइंड ऑफ अभी कॉपी है. अभी पता नहीं इसका गेम प्ले कैसा होगा, क्या कैसा होगा, मैकेनिज्म कैसे होंगे. एंड सच्ची में कोई भी आइडिया नहीं है कि गेम एक्चुअली होने कैसे वाला है, लाइक कोई TDM जैसा गेम होने वाला है या फिर बैटल रॉयल होने वाला है, कुछ भी आइडिया नहीं है. इन्होंने जस्ट ये पोस्टर रिलीज किया है. एंड अभी ये भी आइडिया नहीं है कि गेम रेडी है या फिर अभी पोस्टर के बाद ये लोग गेम डेवलप करने को चालू करने वाले. तो जो भी है, और भी अगर कुछ न्यूज़ आती है, फिलहाल तो ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ भी अभी और इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जैसे कि यू नो एनकोर गेम्स एंड जो भी इसे प्रमोट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से अभी तक कोई भी यू नो रिप्लाई या फिर कोई भी ऐसी ऑफिशियल एक पोस्ट स्टेटमेंट आई नहीं है कि रिलीज डेट या फिर इसका ट्रेलर हमें कब तक देखने को मिलेगा. अभी मैं अगर ट्रेलर की बात करूँ तो अगर आपने हेडफोन्स नहीं पहने तो पहन लो, मैं ज़्यादा कुछ एग्रेसिव नहीं होने वाला हूँ. बहुत चीड़ आई है मुझे. अगर आप सर्च मारोगे अभी लाइक फौजी का ट्रेलर FAUG उसके बाद ट्रेलर, अभी पता नहीं एग्जैक्टली अभी इस मोमेंट तक कितने फेक ट्रेलर्स बने हैं, बट मेरे हिसाब से 2 ट्रेलर्स बने हैं फेक. एंड वो दोनों के ट्रेलर्स के मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दूंगा. अभी मैं क्यों दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो समझ लो. वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, जाके देखो
अभी जैसे चूतिया जैसे बनाया है, बनाया तो है नहीं, वो किसी और गेम का ट्रेलर है, एक जो गेम है वो पबजी का ही है, वो ट्रेलर तो उसने कहाँ से ढूंढा है एंड वो चिपका दिया है। दूसरा जो है वो बैटलफील्ड आई थिंक 1 या फिर बैटलफील्ड 5 का कुछ तो ट्रेलर है। मैं बैटलफील्ड का भी फैन हूँ तो मुझे झट से पता चल गया कि वो ट्रेलर फौजीवीजी का नहीं है। फौजी का अभी तक कुछ रिलीज ही नहीं हुआ है, बस उन्होंने पोस्टर अपलोड किया है एंड वो पोस्टर भी आपको बता दिया मैंने कैसा है। तो बस गाइस आपको एक काम करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिल जाएगी, फिलहाल तो ये दो ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं या फिर चूतियों लोगों ने अपलोड किया है। आपको क्या करना है, ट्रेलर पे जाओ एंड जितना होता है ना स्पैम करो, स्पैम इन द सेंस मैं कमेंट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पैम इन द सेंस रिपोर्ट कर दो, स्पैम एंड मिसलीडिंग जो कैटेगरी होती है उसमें रिपोर्ट करो एंड भाई ये ट्रेलर्स को है ना निकाल दो सच्ची में, क्योंकि बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सच्ची में वर्क करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सच्ची इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड उनको घंटा कुछ व्यूज नहीं मिलते, कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ यू नो लाइक अटेंशन नहीं मिलता। एंड ये देखो लाइक वो तो दो यूट्यूबर्स है ना, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में वो लोग के चैनल तो मिल ही जाएंगे, तो उधर जाओ एंड रिपोर्ट मारो, लाइक सच्ची में उनकी वीडियो जो है ना वो निकाल दो, स्ट्राइक पड़ी तो स्ट्राइक भी पढ़ने दो। मुझे इन लोगों से बहुत बहुत नफरत है, मुझे बहुत गुस्सा आता है इन लोगों को जो कि ऐसे क्लिकबेट या फिर फेक इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। तो बस आपसे यही कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दो ट्रेलर्स है, मैंने जैसे कहा कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी तो फिलहाल दो ही ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं एंड एक वीडियो को तो भाई ऑलमोस्ट 8 लाख व्यूज आए गए, सच्ची कह रहा हूँ 8 लाख व्यूज, खाने की बात नहीं है। अगर कोई सच्ची में हार्डवर्क कर रहा है ना यूट्यूब पे तो उसे 8 लाख क्या भाई, 8000 व्यूज मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अभी देख लो यार एक फेक इन्फॉर्मेशन, एक फेक वीडियो या फिर ट्रेलर की वजह से उसे कितने व्यूज मिले। एंड ये बस व्यूज की बात नहीं है, मैं बस उसे यू नो व्यूज मिले इसलिए मैं जल रहा नहीं हूँ, बट आपको एक बता रहा हूँ यार लाइक जो ये यूट्यूब पे टॉक्सिक चीजें अभी बननी चालू हुई है ना उसे तभी की तभी दबा के ना बंद कर दो ताकि ये और फैलने से रुक जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो जो ट्रेलर्स है उन्हें रिपोर्ट करो, चैनल भी रिपोर्ट कर दो अगर उनका चैनल भी फेक है तो। मुझे मैंने चैनल इतना कुछ सर्च भी किया नहीं, ना ही मैंने कुछ देखा उसके अर्लियर वीडियोस, बट वो जो वीडियो है वो बहुत ही जल्दी निकलनी चाहिए क्योंकि ऐसे टॉक्सिक हमें ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं चाहिए, सच कहूँ तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे बहुत हेट होती है जब भी मैं कुछ क्लिकबेट वीडियो या फिर फेक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखता हूँ कि थंबनेल कुछ है, टाइटल कुछ है, वीडियो के अंदर कुछ है, तो बहुत बहुत गुस्सा आता है, मैं तो सीधा लाइक रिपोर्ट कर देता हूँ। एंड अभी वो रिपोर्ट के हेल्प से कुछ होता है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, बट यूट्यूब का ऐसा ही एल्गोरिदम है कि अगर यू नो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स जो है या फिर मेंबर्स फिर लोग जो है उसे स्पैम करते हैं या फिर रिपोर्ट करते हैं तभी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए कह रहा हूँ जाओ एंड रिपोर्ट मारो सालों को एंड उसकी वीडियो जो है वो निकलनी चाहिए। एंड अभी अगर हम बात करें अबाउट दिस फौजी गेम तो और भी तो अभी कुछ डिटेल्स आई नहीं है गाइज, ना ही ऑफिशियल यू नो जो एनकोर गेम्स है उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई आया है। मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा हूँ उनके पोस्ट पे, बहुत सारे जनों ने उसे क्रिटिसाइज किया है एंड ऑफकोर्स यार होता है लोग भी पागल हो जाते हैं क्योंकि पबजी जो था बहुत ही बड़ा गेम था एंड बहुत सारे जन की जो है यू नो एक गेम से अटैचमेंट हो जाती है, पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं लोग यू नो यूसी एंड ऑल में, बट जो भी है गाइस वो सबका पर्सनल प्रेफरेंस होता है। बट अभी राइट अवे उन्होंने पबजी बैन कर दिया है एंड उसके बाद ये जो है गेम निकाल रहे, अभी गेम ये जो निकाल रहे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, अच्छा निकालो। मैंने जैसे अर्ली वीडियो में कहा था दिखा दो यार कि इंडिया जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो भी बहुत बहुत ऊपर तक जा सकती है एंड जाएगी अगर अच्छी तरीके से गेम बिल्ड किया एंड यू नो कम्युनिटी से बातचीत अगर हो अच्छी तरीके से, तो डेफिनेटली यार कोई भी गेम जो है पॉपुलर होता ही है। अगर बेस्ट एग्जांपल लो तो फॉल गाइस आउट जो अभी यू नो लाइक नॉर्मल गेम है वाइप आउट जैसे या फिर जो कार्टूनिश है लेकिन बहुत ही फन गेम है, उसका भी देखो यार उसकी जो कम्युनिटी है ऑफिशियल डेवलपर्स है कितने इंटरेक्ट होते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, तो वैसे अगर कुछ एंगेजमेंट हो जाए ना तो कोई भी गेम हो वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। बट अभी जैसे आपने देखा गाइस फर्स्ट इंप्रेशन वाज द लास्ट इंप्रेशन, अभी मैं इस पे जज नहीं कर रहा हूँ लेकिन यू नो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी जज कर दिया कि भाई अगर पोस्टर ही ऐसा हुआ कॉपी वाला तो गेम कैसा हो सकता है। तो देखो यार ये अभी हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, ऑफकोर्स अभी जो लोग भड़के हैं उनको अभी कैसे शांत किया जाए पता नहीं, डेफिनेटली अगर कुछ रिप्लाई आता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है एनकोर गेम की तरफ से तभी ये जो है जो मामला है वो ठंडा हो सकता है। बट फिलहाल तो गाइस ऐसी कुछ सिचुएशन आई नहीं है, जब भी और भी कुछ डिटेल आती है इस गेम के बारे में डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड जैसे मैंने कहा था गाइस अबाउट द ट्रेलर्स, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, मेक श्योर कि वो ट्रेलर जो है रिमूव हो जाए यूट्यूब से, जो टॉक्सिक है वो निकल जाए यार, अच्छा कंटेंट डालो सच्चा कंटेंट डालो। तो देखो गाइस ऐसी चीजें करके ऐसे कुछ फेक इन्फॉर्मेशन दे के आपको बस शॉर्ट टर्म वाली खुशी मिलने वाली है या फिर शॉर्ट टर्म वाली जो ग्रोथ मिलने वाली है, बट अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो घंटा आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। सो इसलिए कह रहा हूँ
ये सब चीजें करना छोड़ दो, जो भी है अच्छी तरीके से यूट्यूब पे वीडियो डालो, उसके बाद ग्रोथ मिलेगी। अदरवाइज ऐसे कुछ मिसलीडिंग कंटेंट डालोगे, हेट तो मिलेगी, उसके ऊपर से ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, होप मैंने आपको ज्यादा बोर नहीं किया होगा। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी बनी, बट यू नो जस्ट मेरे थॉट्स मुझे आपको देने थे। बहुत सारे जन क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभी ये गेम को या फिर ये पोस्टर को देखकर, मान सकता हूँ मैं भी हुआ हूँ, लेकिन अभी क्या करे यार, जो है अपने सामने है। अभी मेन चीज जो है वो है गेम प्ले, की गेम प्ले कैसा होता है इस गेम का। एंड अबाउट द ट्रेलर्स, अभी तक कुछ भी ऑफिशियल चीज नहीं आई है फिलहाल वो पोस्टर के। तो अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो, ट्रेलर या फिर और भी नई कुछ चीज, तो प्लीज गाइज प्लीज फेक है, उस पर भरोसा मत रखो। चाहिए अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए मुझे पूछो, मैं ऐसे तो नहीं कह रहा हूँ मुझे हर एक गेम के बारे में डिटेल्स पता है, बट एटलीस्ट मैं वो फेक है या फिर रियल है वो आपको बता दूंगा। तो इसलिए अगर आपने और भी अगर कुछ देखे, डेफिनेटली मुझे इंस्टा पे मैसेज करना या फिर इंस्टा पे टैग करना कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना, एंड अगर आपके खुद के भी कुछ थॉट्स है इस बारे में डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इन शॉर्ट गाइज आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं ये गेम को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, देखो गाइज कर रहा हूँ, बट अभी आगे जाके गेम प्ले देखता हूँ, गेम देखता हूँ कैसा है। अगर सीरियसली पबजी के लेवल का नहीं हुआ तो सच कहूँ तो मुझे तो नहीं लगता मैं खेलूंगा, क्योंकि जो पबजी के एक्सपेक्टेशंस थे वो अगर मैच नहीं हुए तो पब्लिक भी नहीं खेलेगी। ऑफ कोर्स खेलेगी कुछ दिन के लिए, जैसे मैंने आपको कहा ये कुछ तो रिडायरेक्ट होता है, इसकी रेवेन्यू जो है रिडायरेक्ट होती है भारत के वीर को। मैं थोड़ी देर के लिए खेलूंगा, बट या फॉर श्योर लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट थिंक सो। अगर गेम अच्छा नहीं हुआ या फिर ग्राफिक्स वगैरह ओल्ड हुए बैड हुए तो मैं तो इतना नहीं खेलूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको इस गेम के बारे में, एंड कैसा होगा गेम वो भी बताना, मुझे तो फिलहाल इतनी आइडिया है नहीं, ना ही किसी को है, क्योंकि कुछ अभी तक रिवील पोस्ट हुआ नहीं है ऑफिशियल साइट से। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।